तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी भाइयों को। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है सॉफ्ट फूड पर, ठीक है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो है सॉफ्ट फूड के ऊपर, और ये आप देख ही सकते हैं, जैसा कि ये गेहूं है, बिल्कुल नज़दीक ला के दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल फूल गए हैं गेहूँ। और गाइस, इसमें हमारे पास ये देखें आप कि काले चने हैं इसमें, और सोयाबीन है, और हरी मूंग की दाल है, और लाल वाला राजमा है, ठीक है गाइस। तो इसमें ये जो है चार आइटम है, तो ये आप देख ही सकते हो। और इस तरफ गाइस ये पीले वाला कद्दू है, कद्दू मतलब कासी फल होता है, इसको हम कासी फल भी बोलते हैं देसी भाषा में, और इसको दिल्ली में तो कद्दू बोलते हैं, ठीक है गाइस। और इधर जो है ये चकुंदर हो गया, ये अमरूद हो गए, और गाइस ये हो गया हमारी शिमला मिर्च रेड वाली, ठीक है गाइस। तो ये आज का सॉफ्ट फूड है हमारा, और ये सॉफ्ट फूड बिल्कुल हेल्दी सॉफ्ट फूड है गाइस, और बर्ड्स को बहुत अच्छा रहेगा, बर्ड्स को अगर हम देंगे तो बहुत फायदा देगा बर्ड्स को ये गाइस। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बर्ड्स को अच्छी से अच्छी डाइट दूँ, और बर्ड्स अच्छी से अच्छी ब्रीड करें, ठीक है गाइस। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, अगर वो अच्छी ब्रीड करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे बच्चे आएंगे, तो हमें अच्छा भी लगेगा, और बर्ड की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जो बेबीज होंगे उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी गाइस। और ये जो सॉफ्ट फूड है, ये सारा सॉफ्ट फूड बड़े बर्ड्स का है, छोटे बर्ड्स का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें गेहूँ हम छोटे बर्ड्स को दे सकते हैं, और मैं छोटे बर्ड्स को थोड़ा ही गेहूँ दूंगा, क्योंकि आज क्या हुआ, सुबह जो है बारिश रात को शुरू हो गई, और सेटअप मैंने कवर किया हुआ है, तो सेटअप कवर होने की वजह से जो है क्या है कि सेटअप में पूरा उजाला नहीं हो पा रहा है, चारों तरफ से कवर हो गया, मतलब लाइटें जलाई हुई हैं, लेकिन लाइटों से वो चीज़ नहीं होती जो सेटअप को ओपन करने के बाद जो सेटअप में की जाती है, ठीक है गाइस। तो ये सब जो है हम फैनकनूट्स को और अपने मोंग पैराकेट्स वगैरह को सबको हम प्रोवाइड करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे मोंग और मेरे सनकनूर कितने स्वाद से खाते हैं इनको, बहुत अच्छी तरह खाते हैं गाइस, और बेचारे खुश हो जाते हैं, ठीक है। और अमरूद या मतलब फ्रूट्स में एक चीज़ तो उनको देता ही देता हूँ मैं, फिलहाल तो अमरूद का सीज़न चल रहा है तो मैं इनको अमरूद खिला रहा हूँ, और सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि सब्जियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है गाइस। तो चले चलते हैं अपने पैर की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पैर किस तरीके से इंजॉय करके खाते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस देखें, फाइनली हम आ गए हैं हीरो के केज में, और देखें ये हीरो बाहर निकल गया ये हीरो जो है बाहर आ गया है। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर अंदर अंदर, अच्छा अंदर चलो बेटा, अंदर चलो, चलो अंदर चलो, अंदर अंदर। तो गाइस ये हीरो बाहर निकल गया था, और ये हीरो की प्लेट देखें, ये इसकी वाइफ आ गई है, ये हीरो का सॉफ्ट फूड, क्योंकि हीरो के बेबी आए हुए हैं इसलिए हीरो का। और ये देखें आप, इंजॉय करके हीरो और ये हीरो की वाइफ दोनों इंजॉय करके खाएंगे, और गाइस ऐसे ही मेरे सारे बर्ड्स जो हैं इंजॉय करके खाते हैं सॉफ्ट फूड्स को, ठीक है गाइस। तो आप देख ही सकते हैं कि क्वालिटी देखें बर्ड्स की, और बर्ड्स सॉफ्ट फूड को रखते ही बर्ड्स आ गया है, बर्ड्स हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे ही आप सॉफ्ट फूड रखें तभी बर्ड्स को आ जाना चाहिए खाने के लिए, ठीक है गाइस। तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने प्लेट है बिल्कुल साफ सुथरी रखी हुई है, और बर्ड ना बिल्कुल नहीं डर रहा है गाइस, बिल्कुल धोरे, बिल्कुल पास, मतलब मैंने कैमरा बिल्कुल, सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी अपनी वाली निकल जाती है जब अपनी हम बोलते हैं। तो गाइस हमारी देखें वीडियो बिल्कुल जो है कैमरा मैंने बिल्कुल बर्ड्स के पास पहुँचा दिया है, और बर्ड डर नहीं रहा, और हीरो भी बाहर चला गया था तो ये मेरे कंधे पे जा करके बैठ गया था गाइस, ठीक है। तो बर्ड्स हमेशा इसी तरीके से एंजॉय करके सॉफ्ट फूड खाए, इसी में ही ब्रीडर को अच्छा लगता है गाइस। तो मैं और आपको दिखाता हूँ, अभी हमारा चाचा है ये भी सॉफ्ट फूड मांग रहा है, तो इसको भी हम सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, फिर मैं आपको इसका भी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमने चाचा को भी सॉफ्ट फूड्स रख दिया है, और ये हमने अमरूद रख दिया है, क्योंकि अभी इसके बेबी वगैरह नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉफ्ट फूड्स में थोड़ा कम ही दे रहा हूँ, क्योंकि जब सॉफ्ट फूड ज़्यादा जब देना चाहिए, जब मैंने इसका केज में ही रख दिया ये खा लेगा, और जब ये थोड़ा सा मतलब ब्रीडिंग पे आ जाएगा या बेबी वगैरह होंगे तो इसको मैं अलग से जो है, ये जो सब्जियाँ हैं
सब्जियां हमें दूसरी प्लेट में रख के देनी पड़ेंगी इसको, और ये जो प्याली है, इस प्याली में हमें गेहूँ, काले चने और जो मक्का वगैरह होती है वो सारी चीज़ हम इसमें देंगे इसको, ठीक है गाइस। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये बस सोच रहा है कि ये देखें, ये बिल्कुल अब आने वाला ही है, थोड़ा गेट बंद करता हूँ तो इसको अब ये आएगा, क्योंकि फीमेल थोड़ी सी डरती है, चाचा तो खैर नहीं डरता है। अब देखें ये आने वाला है नीचे, ये बिल्कुल मेरा इंतज़ार कर रहा है क्योंकि केज ऊपर है ना, तो मैं भी बॉक्स के ऊपर चढ़ के ही वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो ये देखें, ये हीरो का गेट खुला ही हुआ है और ये अंदर खा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है गेट खुला है या बंद है, ठीक है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे नीचे वाले पेयर्स को भी हमने जो सॉफ्ट फूड्स रख दिया है, फ्रूट्स और सॉफ्ट फूड्स रख दिए हैं, और ये पेयर जो है ब्रीड पे है, अंडों पे बैठा है, ठीक है गाइस। तो इसका हम पानी निकाल लेते हैं गाइस, क्योंकि पानी की कटोरियाँ मेरी रोज़ वॉश होती हैं, सॉफ्ट फूड्स की कटोरियाँ भी हम रोज़ वॉश करते हैं। और गाइस इधर मैंने मॉन्क को भी सॉफ्ट फूड रख दिया है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं मॉन्क को भी मैंने सॉफ्ट फूड रख दिया है, और मॉन्क अभी निकलने वाला ही है, बस ये झांक रहा है। और गाइस इधर मैंने ब्लू मॉन्क को भी रख दिया है, ठीक है गाइस। तो ब्लू मॉन्क आप देख ही सकते हैं चिल्ला रहा है, ठीक है। और ये गाइस इधर मुर्गा पार्टी है, ये मुर्गा है, और ये इधर मुर्गे के दोस्त हैं, और ये मुर्गा है। और गाइस इनको भी मैंने, जैसा कि आप देख ही सकते हो, सब्जियां, फ्रूट्स, सॉफ्ट फूड, सारी चीज़ें मैंने इनको भी प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं इनको, देखो रखते ही ये गाइस रखते ही आ जाते हैं खाने के लिए ना, ये देखें कलर वगैरह देखें आप। अभी ये छोटे वाले भी आ जाएंगे, मुर्गा आ गया है, देखें ये देखें ये देखें ये उतर रहे हैं, ये देखें बड़े चंटा है, ये बहुत चंटा है गाइस, बहुत चंटा है। इनको ना गेट खुला हुआ दिख रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि ये पकड़ ना लूँ मैं इन्हें। तो अभी आप देखना ये अपने आप उतर के जाएंगे, ये देखो ये देखो ये उतर के जा रहे हैं, ये देखो ये उतर गए, ये देखो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये छोटे शेर भी आ गए हैं दोनों, और ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, ये देखें अमरूद वगैरह ये पूरे खाने में मगन है ये, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा मुर्गा थोड़ा डर गया है, क्योंकि मुर्गे को ये लगता है कहीं मैं इन्हें पकड़ ना लूँ मुर्गे को, और ये बेचारे थोड़ा कम डरते हैं, क्योंकि इनको मैंने खुद ही पाला है हैंड फीड पे, तो इनको आदत है। लेकिन ये भी थोड़े से मतलब वाइल्ड टाइप के हो गए, लेकिन अब मैं इनको आदत डाल रहा हूँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा पकड़ता हूँ, तो ये टेम्ड हो जाएंगे और फुल्ली टेम्ड है ये। वैसे बस थोड़ा सा बर्ड को क्या होता है कि जब आप बर्ड को डेली नहीं पकड़ेंगे ना, तो बर्ड थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मुर्गा आएगा तो मैं तभी एक क्लिप ले करके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस सॉफ्ट फूड्स पर मेरे टोटल बर्ड्स जो है लगे हुए हैं, टोटल बर्ड्स मेरा सॉफ्ट फूड खाते हैं, कोई बर्ड्स मेरा ऐसा नहीं है जो सॉफ्ट फूड नहीं खाता है। तो आज की इन्फॉर्मेशन गाइस यही थी। ये देखें आप, मुर्गा आ गया है, और मुर्गा इनका हेड है, क्योंकि जब ये छोटे थे ना, तो मैं इनको इसी केज में डाल के चला जाता था, और बच्चे तो गए हुए थे अपनी मामा के यहाँ पे, तो मैं ड्यूटी चला जाता था। तो गाइस तो जैसे ये जो छोटे छोटे थे उस टाइम पे, अगर ये फीड मांगते थे ना, तो ये मुर्गा इनको फीड कराता था। तो मैंने देखा कई बार, मैंने कहा ये तो सही फ़ायदा उठा रहा है भाई इनका, मतलब इनकी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये इनका सीनियर भाई कह सकते हो, बड़ा भाई इनका कह सकते हो आप इसको। तो देखें अब मिलजुल करके खूब बढ़िया तरीके से सॉफ्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं अमरूद, और ये फ्रूट्स बड़े शौक से खाते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मेरे बड़े छोटे भाई जितने भी हैं सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, ठीक है गाइस। तो जो भी, अगर कोई भाई मेरे से सॉफ्ट फूड से रिलेटिव, और या फिर दवाइयों से रिलेटिव, बर्ड्स की दवाई मेडिसिन के रिलेटिव कोई भी भाई मेरे से कोई मदद मांग लेना चाहता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं गाइस, सुबह 10 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं आप, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। ओके बाय, राम राम।